नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सोलंकी और आपका स्वागत है शिक्रम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, कि ये डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है और हम इसे कैसे बनवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, जिसे कि बैंक ड्राफ्ट या फिर कैशियर चेक भी कहते हैं, एक पेमेंट करने का तरीका होता है जो कि आज की इस ऑनलाइन पेमेंट वाली दुनिया में भी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट और सिक्योरेस्ट तरीका है पेमेंट करने का। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में किया जाता है पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अब डिमांड ड्राफ्ट जो कि एक चेक की तरह ही होता है, जिसे बनवाने के लिए हमें हमारी बैंक ब्रांच में जाकर एक फॉर्म देना पड़ता है। इस फॉर्म को कहते हैं बैंक ड्राफ्ट फॉर्म। इसमें हमें उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ता है जिसे हमें पेमेंट करना है। उसका नाम लिखने के बाद हमें अमाउंट लिखना पड़ता है, जितना अमाउंट का हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद हमें हमारा सिग्नेचर्स करना पड़ता है। उसके बाद इस फॉर्म को हमें बैंक में देना पड़ता है। फिर उसके कुछ समय के बाद आपकी बैंक 3 से 4 घंटे के अंदर आपको डिमांड ड्राफ्ट दे देती है। बट हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जितना भी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाना चाहते हो, जितना अमाउंट आपने आपके डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लिखा है, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिसके बाद ही आपकी बैंक आपको उतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे सकती है। और इसमें बैंक अपने कुछ चार्जेस भी ऐड करती है। जैसे अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये तक का है तो आपको कुल 25 से लेकर 50 रुपये तक के बीच में चार्जेस पे करना पड़ता है, फिर जो कि डिपेंड करता है आपके डिमांड ड्राफ्ट के अमाउंट के ऊपर कि आप कितना अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो। और डिमांड ड्राफ्ट बनने के बाद आप उस डिमांड ड्राफ्ट को इंस्टीट्यूशन में जमा कर सकते हो जिस किसी को भी आपको पेमेंट करना है। फिर उसके बाद जो आपका इंस्टीट्यूशन है उस डिमांड ड्राफ्ट को डेट ऑफ विड्रॉ के दिन उसे विड्रॉ करा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। अब डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी 3 महीने तक की रहती है, जो कि इसकी डेट ऑफ इश्यू से लेकर 3 महीने तक की रहती है। जैसे कि अगर हमारा डिमांड ड्राफ्ट अगर आज बन रहा है तो आने वाले 3 महीने तक वो वैलिड रहेगा और डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा चेक रहता है उसमें चांसेस रहते हैं कि वो बाउंस हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। बट जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट रहता है वह कभी बाउंस नहीं होता और ना ही रिजेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।